नाइन्टीज, नाइन्टीज एक ऐसा वर्ड है कि जो हमें कहीं दिखाई देता है या फिर पढ़ने को मिलता है, तो एक पूरा का पूरा दौर हमारे जहन में घूमने लगता है। मोहब्बतें मूवी, एक म्यूजिक बजने लगता है, हमको हमी से चुरा लो, या फिर यूं कहूँ कि दीवाना एल्बम सोनू निगम की, या फिर उस वक्त की अजय देवगन की मूवीज, सनी देओल की मूवीज। ये सब वो दौर था जब इंटरनेट भी नहीं होता था, टीवी पे टाटा स्काई या एयरटेल की डिश नहीं होती थी, एंटीना घुमाना पड़ता था। ये वो दौर था जब प्रेम सच्चा होता था, ये वो दौर था जब एक दूसरे से मिलने की तड़प होती थी, ये वो दौर था जब कोई रूठ जाता था वो तो उसे मनाने का चलन था, ये नहीं कि डीएम में जाके दूसरा कोई इंटरेस्टिंग पर्सन दिख रहा है तो उससे बात करना शुरू कर दें। ये वो दौर था जब रिश्तों में प्यार होता था और रिश्ते लंबे चलते थे। आज मैं आपके सामने ऐसी बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जस्ट मैंने अभी एक किताब पढ़ी है जिसका शीर्षक है 90s वाला प्यार, जो कि लिखी है शरद त्रिपाठी जी ने एंड पब्लिश्ड बाय हिंदी पब्लिकेशन। अगर एक वर्ड में मुझे इस बुक को डिस्क्राइब करना हो तो मैं कहूंगी सुकून। ये किताब सुकून है क्योंकि ये पढ़ के आपको इतना सुकून और इतना चैन मिलता है कि आप सारे टेंशन भूल जाते हैं। फिर से मैं आऊंगी किताब के शीर्षक पे, 90s वाला प्यार, जो कि मुझे बहुत प्यारा लगा ये शीर्षक। और दूसरी चीज है इसका कवर, जिसपे कैसेट बनी हुई है जिसमें 90s वाले गाने बजते थे। आजकल के यंगस्टर शायद पहचान भी ना पाए कि ये कौन सी चीज है और इससे क्या होता है। शाहरुख खान की एक तस्वीर बनी हुई है क्यों, जो कि उस टाइम पे हर लड़की के दिल में बसते थे और अभी भी बसते हैं, बट वो दौर ही अलग था। उस वक्त इतना इंटरनेट नहीं होता था कि आप जिस वक्त चाहो उस टाइम शाहरुख खान को देख लो। जब कभी शनिवार को एक मूवी आती थी और उसमें से भी महीने में एक मूवी अगर शाहरुख खान की आई है तो ही आप उनको देख पाते थे, या फिर हफ्ते में जो संडे को न्यूज़पेपर आता था, जो थोड़ा सा चिकना वाला न्यूज़पेपर होता था, उसमें अगर शाहरुख खान की फोटो आती थी तो आप देख पाते थे। वो दौर था जब आप हीरो हीरोइनों के फोटो काट काट के या तो अपनी डायरी में चिपकाते थे, और अगर आपके पेरेंट्स थोड़े से ओपन माइंडेड हैं तो अपने घर की दीवारों पर भी चिपका लेते थे। अब बात करते हैं कहानी की। इस किताब में 8 कहानियां हैं। पढ़ने को मैं ये किताब एक दिन में या दो दिन में भी खत्म कर सकती थी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये किताब सुकून है, तो सुकून किसको प्यारा नहीं होता, सुकून हमें हर रोज चाहिए होता है। इसलिए मैंने इस किताब को 8 दिन में खत्म किया। हर कहानी एक अलग पहलू लाइफ की अलग स्टेज को दर्शाती है, जो कि 90s वाले दौर में होती थी। 90s वाले दौर में माँ बाप की सोच कैसी होती थी, कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शंस होती थी और कौन कौन सी चीजें थी जो आज हम मिस कर रहे हैं और उस टाइम पे हम एंजॉय करते थे। अक्सर हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की बात करते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि इस किताब को पढ़ के आप पीछे लौटना ज्यादा पसंद करेंगे। ये वो दौर है जब किसी का लैंडलाइन नंबर मांगने के लिए भी पूरी मोहल्ले के चारों तरफ फील्डिंग लगाई जाती थी दोस्तों की कि इस लड़की का नंबर चाहिए। ये वो दौर था जब प्यार में इंतजार होता था। इस किताब में 8 की 8 कहानियां बहुत ही प्यारी हैं, लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो थी सबसे पहले वाली कहानी, क्योंकि उसमें प्यार की एक भीनी सी खुशबू है। और सबसे आखिर वाली कहानी, सबसे आखिरी वाली कहानी एक स्टीरियोटाइप को तोड़ती है। यूं कहूं कि जो उस दौर में एक पाप माना जाता था समलैंगिक होना, जो इस वक्त पे बहुत ओपनली लोग एडमिट भी कर रहे हैं और सोसाइटी उनको एक्सेप्ट भी कर रही है, वो उस टाइम पे बहुत चैलेंजिंग होता था। तो 90s के दौर में अगर कोई समलैंगिक होता था तो उसको क्या क्या परेशानियां आती थी, और उस कहानी को इतनी खूबसूरती से लिखा गया है कि मुझे काफी देर तक रोना आया उस कहानी को पढ़ के। 8 की 8 कहानियां बहुत ही प्यारे तरीके से लिखी गई हैं, और ये सुकून, ये पल देने के लिए मैं शरद त्रिपाठी जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि इस वक्त में जब हर तरफ नेगेटिविटी है, कहीं भी सुकून नहीं है, हर वक्त चीख पुकार है, उस वक्त में ये कहानी पढ़ना अपने दिमाग को एक ट्रीट देने जैसा है कि सुकून मिल जाता है इस किताब को पढ़ के। और हर रात एक कहानी पढ़ के अगर आप सोएंगे तो आपको चैन की नींद आने वाली है। ये किताब ऐसी ही है जिसमें इसमें ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं कि वो कहीं ना कहीं आपको मीठा सा दर्द और उसके साथ ही एक हंसी दे जाती है, क्योंकि आप बचपन के उन गलियों में लौट जाते हैं जहां पर संडे का इंतजार होता था सिर्फ गाने सुनने के लिए कि रंगोली कब आएगी, जहां पर चंद्रकांता के लिए संडे का इंतजार होता था। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आजकल के यंगस्टर्स जो या फिर आजकल की जो जनरेशन है वो शायद ना समझ पाए, लेकिन जो लोग इस वक्त अपने 30s में हैं वो इस किताब को पढ़कर जरूर हंसेंगे भी और रोएंगे भी।
और कई दिन तक इस नॉस्टैल्जिया से बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये किताब बेहतरीन तरीके से लिखी गई है और हिंद युगम में पब्लिश्ड जितने भी किताबें मैंने पढ़ी हैं उनमें से वन ऑफ माय फेवरेट बुक आज के बाद ये किताब है। एंड आई रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ मिस्टर शरद त्रिपाठी कि इतना खूबसूरत उन्होंने लिखा है। मैं इस किताब के बारे में दिन भर बात कर सकती हूँ, सीरियसली। हर लाइन आपको कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पे लाके छोड़ देती है जहां से आपका वापस आने का मन नहीं करता है। बहुत सारी लाइनें, बहुत सारे पैराग्राफ ऐसे हैं जिनको आप उसी वक्त किताब सामने रखे रखे जीने लगते हैं। सो गो एंड ग्रैब योर कॉपीज नाउ एंड थैंक यू सो मच हिंद युगम फॉर सेंडिंग मी दिस बुक। एंड सीरियसली शरद त्रिपाठी जी को फिर से तहे दिल से शुक्रिया एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एवरी अपकमिंग वेंचर। Thank you everyone for watching the video and keep subscribing Nidhi Talks.